नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं तो उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि आरएस 27 प्रति किलोग्राम और आरएस 40 प्रति किलोग्राम की दर वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण की दर 30 प्रति किलोग्राम हो। ठीक है, उसने कहा है कि दो रेट की चाय है, एक का है 27 रुपया किलो और एक है 40 रुपया प्रति किलो। हम इसको किस अनुपात में मिला दें कि जो हमारा मिश्रण बने वह 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से हम बेच सकें। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कम रेट वाली वस्तु, ठीक है, और यहाँ पर जो है अधिक रेट वाली वस्तु। ठीक, और यहां पर जो आएगा वह आएगा मिश्रण की दर। ठीक, अब कम रेट वाली वस्तु की कीमत कितनी है, यह है 27 रुपया प्रति किलो, और अधिक रेट वाली कितनी है, 40 रुपया प्रति किलो, और जो मिश्रण बन रहा है मिश्रण की दर कितनी है, 30 रुपया प्रति किलो। हमने तीनों को लिख लिया, अब यहाँ से इसको माइनस करते हुए यहाँ लिखेंगे तो 40 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 30 बड़ा है, 30 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। यानी आंसर क्या आ जाएगा, 10:3। ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी चाय है, दो रेट दिए थे हमें 27 और 40, तो हमने 27 यहाँ लिखा, 40 यहाँ लिखा, जो मिश्रण का रेट है वह है 30, तो 30 यहाँ लिख दिया, 40 में से 30 गया तो 10, और 30 में से 27 गया तो 3। आंसर क्या आ जाएगा, 10:3। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।